हिना खान के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाया हड़कंप। आखिर किसे टारगेट कर रही है नागिन 5 फेम हिना खान? चलिए जानते हैं। हिना खान टीवी के मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता के जरिए उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी भी हासिल की। सोशल मीडिया पर हिना खान की पॉपुलैरिटी देखते ही बनती है। आए दिन हिना खान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देती हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। हिना खान ने बीती रात ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर किया है जो कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। हिना खान अक्सर कोटेशन वाले पोस्ट को इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं और उनका लेटेस्ट पोस्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है। इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि कर्मा लौटकर जरूर आता है और लोगों को तब तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। इस पोस्ट में हिना खान ने भी अपनी बात को ऐड किया है। हिना खान ने लिखा है, कई साल पहले, 6 साल, नहीं शायद 7 साल, हा हा हा। इस कोटेशन ने मुझे किसी की याद दिला दी जिसने सालों तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मैं हमेशा इस सोच में डूबी रहती थी कि मैं इतनी बुरी हूँ और कभी कभी मैं टूट भी जाया करती थी। और जब आप बार बार चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला शख्स उसे ना समझे, दिल दुखता है। और मुझे एक ही डायलॉग याद आता है कि कुछ घाव नहीं भरते हैं। हिना खान ने आगे लिखा, कोई नहीं, मुझे कर्मा में यकीन है। लोगों को लगता है कि वो सालों तक लोगों के साथ बुरा करते आएंगे। अब हिना खान ने इस पोस्ट के जरिए किसे टारगेट करने की कोशिश की है इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन बता दे सालों पहले ये रिश्ता क्या कहलाता के सेट पर करण मेहरा और शो के प्रोड्यूसर रंजन शाही के साथ उनकी तानातनी जरूर हुई थी। ऐसे में हो सकता है कि हिना खान ने इस पोस्ट के जरिए इसमें से किसी को भी टारगेट करने की कोशिश की होगी। वेल, इस बात का खुलासा भी खुद हिना खान ही कर सकती हैं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।